जय हिंद। चैनल आई टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है, जहां मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में मंगल पांडे नगर में द सीजर्स यूनिसेक्स सैलून में पुलिस ने रेड डाली है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस बोर्ड पर सैलून का नाम लिखा था फैमिली सैलून की आड़ लेकर यहाँ अनवॉन्टेड एक्टिविटीज हो रही थी, जिसकी शिकायत पुलिस को मिली। जब पुलिस ने यहां रेड डाली तो अंदर लड़कियां और पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस को मौके से काफी अनवांटेड चीजें भी बरामद हुई। पुलिस द्वारा मेरठ के मंगल पांडे नगर जो थाना मेडिकल क्षेत्र में पड़ता है, यहां द सीजर्स फैमिली यूनिसेक्स सैलून पर छापा मारा गया। पुलिस को लंबे समय से सैलून में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की शिकायतें मिल रही थी, सूचना मिल रही थी। छापेमारी के दौरान सैलून में महिलाएं और पुरुष मौजूद थे, जिनमें से 15 लोगों को हिरासत में लिए गए। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये सैलून की संचालिका मौके से फरार हो गई और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं पहले भी सैलून पर हनी ट्रैप जैसे मामलों की शिकायतें सामने आ चुकी है पूर्व में, जिस पर पुलिस ने निगरानी रखी हुई थी। इस छापेमारी में थाना पुलिस, एएसटीयू एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और महिला पुलिस की संयुक्त टीम ने हिस्सा लिया। पुलिस ने सभी पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ की शुरू की है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह सैलून केवल अपनी सेवाएं दे रहा था या इसके जरिए कोई अवैध गतिविधियां भी संचालित की जा रही है। ये बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में मंगल पांडे नगर में द सीजर्स यूनिसेक्स सैलून पर छापा लगा है। अनवांटेड चीजें बरामद हुई हैं और अनवांटेड एक्टिविटीज की जानकारी मिली थी पुलिस को। पूरी घटना पर क्या कहना है एसपीसीटी मेरठ अशोक सिंह से, आइए देखिए। देखिए, आज थाना मेडिकल के क्षेत्र में सीओ सिविल लाइन्स के निर्देशन में एएचटीयू एवं थाना महिला प्रभारी के साथ एक मसाज पार्लर पर छापेमारी की गई, जहाँ से करीब 9 महिलाएं और 7 पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले और कई आपत्तिजनक सामान भी यहां से बरामद हुआ है। इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है और डीबीआर, वो पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। अब इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।